मित्सु अपनी आंखों से यूरी और एलेक्स को एक दूसरे के करीब आते हुए देख लेता है। ये मोमेंट उसके लिए किसी डिजास्ट्रस इवेंट से कम नहीं था। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो चुका था। मित्सु के पैर शेक करने लगते हैं। वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। वो बिल्कुल दबी हुई आवाज में कहता है, ये सब आखिर क्या हो रहा है? यूरी और एलेक्स एक साथ मिलकर सुमीर और मुझे चीट कर रहे हैं। और वो काफी स्लोली फिर से हॉल की तरफ जाने लगता है। मित्सु बस यहाँ वहाँ हर जगह सुमीरे को ढूंढ रहा था, पर सुमीरे उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। और एट द एंड सुमीरे की मैनेजर के बताने पर मित्सु टेरेस की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है सुमीरे टेरेस के कॉर्नर पर पैर नीचे करके बिना किसी मूवमेंट के साथ बैठी हुई है। मित्सु का माइंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेंस था। उसे लगता है सुमीरे बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड करने वाली है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पहुँच कर सुमीरे को पीछे की तरफ खींच लेता है। सुमीरे मित्सु के ऊपर गिर जाती है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो मित्सु? मित्सु अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम क्या करने वाली थी? तुमने एक बार भी सुसाइड करने से पहले मेरे बारे में भी नहीं सोचा। एंड वो कंटिन्यूसली सुमीरे के ऊपर चिल्लाने लगता है। सुमीरे फर्स्टली मित्सु की बातें नहीं समझ पाती। एंड आफ्टर अ मोमेंट वो उसे काम करते हुए कहती है, रिलैक्स मित्सु, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ, बताओ? मैं बस वहाँ पर काफ़ी केयरफुली बैठते हुए एनवायरनमेंट को फील कर रही थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुमीरे के मुँह से ये बात सुनकर फाइनली मित्सु अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन सुमीरे साफ देख रही थी कि मित्सु की आंखों में टीयर्स हैं जो उसके प्यार को बिना शब्दों के बयां कर रहे हैं। सुमीरे बोलती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मित्सु? तुम तो पार्टी की अरेंजमेंट देख रहे थे ना? फॉर मोर देन 5 मिनट्स मित्सु सुमीरे की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे सुमीरे मित्सु के लिए और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। वो कहती है, मित्सु प्लीज़ बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वो एक लंबी सी सांस लेते हुए बोलता है, हमारे साथ वो हुआ है जो होने की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारे साथ वो हुआ है जो हमारे लिए किसी लाइफ एंडिंग मोमेंट से कम नहीं है। और वो इसी तरह सुमीरे को कंफ्यूज करने लगता है। सुमीरे मित्सु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, मित्सु प्लीज़ मुझे सब कुछ क्लियरली बताओ, आखिर हुआ क्या है? यूरी और एलेक्स एक साथ मिलकर हमें चीट कर रहे हैं सुमीरे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखा है। ये कहते हुए मित्सु काफ़ी तेजी के साथ फ्लोर को अपने हाथों से हिट करता है। वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। मित्सु की इन बातों का सुमीरे के पास कोई जवाब नहीं था। एंड एज वी ऑल नो, सुमीरे तो इस बारे में सब कुछ पहले से जानती है। और अगर आप नहीं जानते तो यार जाके पिछला पार्ट देख लो। सुमीरे की खामोशी मित्सु को इरिटेट कर रही थी। वो बोलता है, तुम चुप क्यों हो सुमीरे, कुछ तो बोलो। तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें मेरी बातों से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तो फाइनली तुम्हें इस बारे में पता चल ही गया मित्सु। एंड हाँ, तुमने सही कहा, इस वक्त मेरे पास तुम्हारी बातों के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं। मित्सु बोलता है, इसका मतलब तुम इस बारे में पहले से जानती हो, मैंने सही कहा ना? सुमीरे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं इस बारे में काफ़ी पहले से जानती हूँ। जब हम उस माउंटेन लोकेशन पर शूट के लिए गए थे तभी मैंने अपनी आंखों से ये सब देख लिया था। सुमीरे के ये वर्ड सुनकर मित्सु पीछे हट जाता है। वो कहता है, अगर तुम इस बारे में पहले से जानती थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फ़ायदा मित्सु, मैं जानती थी अगर मैंने तुम्हें इस बारे में बता दिया तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं अपनी फीलिंग्स का गला दबा सकती हूँ पर तुम्हारी स्माइल का नहीं। इतना कहते हुए सुमीरे चुप हो जाती है। मित्सु कहता है, क्या एक्सक्यूज दिया है सुमीरे, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती, मेरे बारे में सच में केयर करती तो तुम मुझे इस तरह अंधेरे में नहीं रखती। सच तो ये है कि तुम भी बाकियों की तरह सेल्फिश हो। तुम भी मुझे उन दोनों की तरह मेरी लाइफ में हेल्पलेस देखना चाहती हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मित्सु के ये वर्ड सुमीरे के लिए किसी एरो से कम नहीं थे, जो जाकर सीधा उसके हार्ट पर लग रहे थे, जो सुमीरे पिछले कई महीनों से इस बात को अपने अंदर दबाई हुई थी। आज सिर्फ मित्सु ने 2 मिनट के अंदर उस दर्द को सुमीरे की आंखों में ला दिया था। सुमीरे अपना सर नीचे करके रोने लगती है। वो कहती है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मित्सु, सालों पहले मैंने ही तुम्हें अपने आप से दूर किया था, तुम्हारे प्यार का अ काइंड ऑफ मजाक बनाया था, पर उसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन रॉन्ग मैं ही थी।
आज मुझे बस उस बात की पनिशमेंट मिल रही है। परमित सुओ बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है, लेकिन वो सुमीरे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो बिना पीछे मुड़े कहता है, चुप हो जाओ सुमीरे, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्या तुम एलेक्स के साथ अभी भी अपने रिलेशन को कंटिन्यू करने वाली हो? सुमीरे कहती है, अब मैं अपनी लाइफ में प्यार को लेकर और हसल नहीं कर सकती। मेरे पास जो है मैं उससे आगे नहीं सोचना चाहती, चाहे वो जैसा भी हो। क्या ये सब जानकर भी तुम्हारा खून नहीं खौल रहा है जो तुम इस तरह की बचकानी बातें कर रही हो? ग्रो अप सुमीरे, ग्रो अप। नहीं मित्सुओ, शायद अब मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे उससे प्यार नहीं। एंड आई एम प्रिटी श्योर, प्यार होता तो आज पेन फील होता, लेकिन मेरी लाइफ में गिल्ट के सिवा इस वक्त कोई नहीं है। एंड फाइनली सुमीरे इतना सब कुछ बोलने के बाद चुप हो जाती है और मित्सुओ भी उस जगह को लीव कर देता है। वो अपनी कार में बैठकर इवेंट हॉल से निकल जाता है। वो काफ़ी गहरी सोच के साथ रश ड्राइविंग कर रहा होता है। उसके माइंड में बस एलेक्स और यूरी चल रहे थे। मित्सुओ उनको लेकर पूरी तरह गुस्से के साथ भर चुका था और साथ ही साथ मित्सुओ सुमीरे के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी सोच रहा था। वो बिल्कुल भी रोड के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहा था। उसका पूरा ध्यान बस उन्हीं बातों के ऊपर था। मित्सुओ जैसे गुस्से के चलते पागल ही हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल पड़ चुकी थी। वो बिना आगे पीछे देखे ड्राइव कर रहा था। उसने ऑलमोस्ट 3 सिग्नल्स तोड़ दिए थे। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही हर बार गलत क्यों होता है? अमित सुओ अपनी कार के ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। एंड थोड़ा आगे जाते ही मित्सुओ की गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर से डाइवर्ट हो जाती है। वो रोड की तरफ से बाहर जाने लगता है। वहाँ कॉर्नर पर एक पेड़ था। मित्सुओ उस पेड़ से टकराने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में सुमीरे की कही हुई वो बात आ जाती है। सुमीरे ने बोला था, मुझे उससे प्यार नहीं, क्योंकि अगर प्यार होता तो आज पेन फील होता। और यही सेम चीज मित्सुओ को महसूस हो रही थी। उसके दिल में यूरी की इस चीप हरकत के चलते गुस्सा तो बहुत था, पर 1% भी पेन नहीं। एंड न जाने क्यों उसको अलग सा सुकून मिल रहा था, जैसे वो किसी बाउंडेशन से फ्री हो गया हो। अब मित्सुओ उस पेड़ के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुका था कि तभी मित्सुओ नॉर्मल कंडीशन में आते हुए अपनी कार को कंट्रोल कर लेता है। ये उसके लिए एक नियर टू डेथ एक्सपीरियंस था। वो अपने फॉरहेड से पसीना हटाते हुए कहता है, शायद ये मेरे लिए एक सेकेंड चांस है कि मैं अपनी लाइफ को एक नया स्ट्रक्चर दे सकूं। अब तक मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ एहसान थे, पर अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैंने अपनी लाइफ में जो किया है अपने दम पर किया है। क्यों एक छोटे से एलिमेंट के चलते मैं उसे अपनी लाइफ का पूरा पार्ट मानता रहा, न जाने क्यों, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला। एंड मित्सुओ फाइनली अपने माइंड को बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में ले आता है। वो कहता है, मैं समझ चुका हूँ सुमीरे की मेरे लिए फीलिंग्स की वैल्यू क्या है। अब मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे अपने से ज़्यादा सुमीरे के लिए बुरा लग रहा है। मैंने तो आज पहली बार इस चीज़ को अपनी लाइफ में फेस किया है, पर वो तो न जाने कितने ही सालों से अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ इस दर्द के साथ जीती आ रही है। एंड मित्सुओ कंटिन्यूसली सुमीरे के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है, मैं सुमीरे की हैप्पीनेस छीनने वाले को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं यूरी और एलेक्स को सबक सिखा के रहूँगा। मित्सुओ की आँखें फिर से लाल पड़ जाती है। वो अपनी कार में बैठते हुए गेट को लॉक कर लेता है। वो कार का काउंटर खोलते हुए उसमें से गन निकालता है। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मित्सुओ के पास गन कहाँ से आई? तो यार हमारे मित्सुओ के पास बहुत पैसा है, जिसमें तुम्हारा मेरा और सबका घर चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। एंड मित्सुओ तेजी के साथ उस जगह से आगे बढ़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी और एलेक्स को एक साथ देखते हैं। वो दोनों पिछले कई टाइम से एक साथ मज़े कर रहे थे, पर अब उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। यूरी बोलती है, एलेक्स अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। एलेक्स कहता है, तुमने सही कहा, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। वैसे आज हमने बिल्कुल सही एग्जीक्यूशन किया। यूरी बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, आई होप कि हम आगे ऐसा ही कर सके। और वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हुए अपनी अपनी डेस्टिनेशंस के लिए निकल जाते हैं। यूरी
पूरे रास्ते हंसते गुनगुनाते आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है उसकी सांसें ऑलमोस्ट उसके गले से बाहर आ जाती है। वो देखती है उसकी घर की एंट्रेंस पर मित्सुओ खड़ा है, उसके हाथ में गन है जो कि उसने ठीक यूरी के सर की तरफ पॉइंट की हुई है। यूरी डरते हुए बोलती है, मित्सुओ आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मित्सुओ बोलता है, वही जो मुझे काफ़ी पहले कर देना चाहिए था। यूरी बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं। मित्सुओ अपनी गन को रिलोड करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मारने से पहले सब कुछ अच्छी तरह समझा दूंगा। और वो दो कदम आगे बढ़ते हुए ठीक यूरी के सामने पहुंच जाता है। वो कहता है, नाउ यू विल रियलाइज दूसरों को धोखा देने से क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। यूरी बोलती है, पहले तुम ये गन नीचे करो। और मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करो। पर मित्सुओ गन का ट्रिगर प्रेस कर देता है, एक साउंड क्रिएट होती है और यूरी काफ़ी लाउडली चिल्लाती है। मित्सुओ कहता है, डोंट वरी, बिना तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाए नहीं मारने वाला। जितना हार्ट ब्रेक मैंने और सुमीरे ने फील किया है उसका 10% तो तुम्हें भी फील होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब यूरी अ काइंड ऑफ मित्सुओ का इंडिकेशन समझ चुकी थी। वो बोलती है, ओ तो तुम्हें मेरे और एलेक्स के बारे में पता चल ही गया। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर 1% भी सिकंज नहीं था। हमारा मित्सुओ बहुत काइंड और जेनरस बंदा है, वो किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन यूरी की ये सभी हरकतें उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है और अब वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी यूरी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो मित्सुओ, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। मित्सुओ बोलता है, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें मारने के बाद मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हें क्या तुम्हारे जैसे 10 लोगों को भी मार दूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी नज़र में तुम्हारे जैसे चीप इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हो गया तुम्हारा, अब मैं बोल सकती हूँ, प्लीज़ चलो घर के अंदर चल के बात करते हैं। और यूरी के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर फाइनली हमारा मित्सुओ मान जाता है और वो दोनों यूरी के रूम में जाकर बैठ जाते हैं। यूरी कहती है, मित्सुओ अब तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। हाँ, मैं और एलेक्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मित्सुओ का चेहरा फिर से लाल पड़ने लगता है। यूरी कहती है, अपने गुस्से को काबू में रखो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो। उस दिन जब सुमीरे ने हमें देखा था तब भी हमने वो सब कुछ जानबूझ कर किया था और आज भी जो तुमने देखा वो सब प्री प्लान्ड था, हमने ये सब एक प्लानिंग के अंदर किया है। मित्सुओ बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। यूरी कहती है, अगर हम तुम्हारे साथ सच में चीट करना चाहते तो क्या ऐसी जगहों पर जहाँ तुम हमें पकड़ सको हम दोनों एक दूसरे के करीब आते, खुद बताओ। यूरी का ये रीज़न मित्सुओ को बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है। वो कहता है, पर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? यूरी बोलती है, मैं अब तुम्हें पूरी बात शुरू से बताती हूँ। वो कहती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले मैं एलेक्स से मिल चुकी थी, वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा था। उसने ही मुझे तुम्हारे और सुमीरे के बारे में बताया था कि तुम दोनों किस तरह अपने चाइल्डहुड में अलग हुए और उसमें उसकी कितनी बड़ी गलती है और आज वो उसके चलते कितना गिल्टी फील करता है। मैंने एलेक्स के चेहरे पर देखा था कि वो सुमीरे की वजह से कितना परेशान है और वो सुमीरे की हालत के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। एंड शायद कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारे साथ यही कर रही थी, मुझे लगा कि ये गलत है। हमारी कंपनी की ऑलमोस्ट इक्विटी तुम्हारे पास थी, मैं जानती थी कि तुम मुझे बहुत एडमायर करते हो। जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम मुझे मना नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए थी। लेकिन जब हमारे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुमने मुझे मेरा शेयर दे दिया तो मैं वैसे भी तुमसे अलग होने वाली थी एंड बस अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने एलेक्स का उसके प्लान में साथ दिया। मैंने ही मिस्टर मिनामोटो से बोलकर सुमीरे को जापान बुलवाया। मैंने ही आते वक्त सुमीरे को पीछे की सीट अलॉट करवाई और अब तक जो भी टाइम तुमने सुमीरे के साथ स्पेंड किया वो मैंने ही अरेंज करवाया, जिसमें एलेक्स का
एक बहुत बड़ा रोल था। हम दोनों सच में अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं। हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं। एलेक्स और मैं अच्छी तरह जानते थे कि तुम दोनों को मिलाने के सिवा माफ़ी मांगने का कोई और तरीका नहीं है, पर मित्सो तुम्हारे एथिक्स वैल्यू और बेकार की सोच ने सुमीरे को हर्ट किया। वो बोलती रही कि वो फिर से तुम्हारे पास आना चाहती है, पर तुम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। हम तो गलत थे ही, पर हमसे बड़े दोषी तो तुम हो मित्सुओ, जो कभी सुमीरे को समझ ही नहीं पाया। यूरी ने मित्सुओ की आंखें खोल दी थी। अब मित्सुओ के दिल में यूरी के लिए कोई गुस्सा नहीं बचा था। वो बिना कुछ कहे यूरी के घर को लीव करके चले जाता है। वो अपनी कार में बैठकर रैंडमली शहर में ड्राइव करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो सुमीरे के पास किस मुँह के साथ बात करे। मित्सुओ पूरी तरह पसल्ड हो चुका था। वो ऑलमोस्ट सुबह तक शहर में ही घूमता रहता है, और जब वो थक जाता है वो पार्क की एक बेंच पर जाकर लेट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में मलाल कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। वो उस कॉल को पिक करता है। फ़ोन की दूसरी तरफ एलेक्स था। एलेक्स कहता है मित्सुओ। मित्सुओ कहता है एलेक्स तुम अभी तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है। तुम जल्द से जल्द एयरपोर्ट आ जाओ। सुमीरे फिर से ऑस्ट्रेलिया जा रही है। जाकर उसे रोक लो, क्योंकि अगर आज वो चली गई तो फिर से तुम्हारी लाइफ में कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है मित्सुओ, जल्दी जाओ। और इतना कहते हुए एलेक्स कॉल कट कर देता है। मित्सुओ बिना कुछ सोचे समझे अपनी कार को स्पीड में भगाते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। उसके दिल में और दिमाग में बस अभी सिर्फ एक बात चल रही थी कि उसे किसी भी कीमत पर सुमीरे को रोकना ही होगा। वो ऑलमोस्ट 30 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जो रास्ता 40 से 50 मिनट का था वो उसे सिर्फ 30 मिनट में कवर कर लेता है। एयरपोर्ट के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, पर मित्सुओ उन्हें धकेलते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है। वो जाकर सुमीरे को पीछे से आवाज़ लगाता है, सुमीरे रुक जाओ। वो उसका हाथ पकड़ते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो कहता है सुमीरे आई एम सो सॉरी, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ सुमीरे, प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। एंड एज सुमीरे सैड, उसे एलेक्स से प्यार नहीं था, इसलिए उसका पेन भी फील नहीं हुआ। लेकिन मित्सुओ से तो उसे प्यार है ना, इसलिए उसका पेन भी साफ साफ फील हो रहा था। उसकी आंखें भी नम पड़ जाती है। वो कहती है मैं नहीं जा रही हूँ मित्सुओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ अब बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार को इन्जॉय करना चाहती हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वादा करो तुम अब मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। मित्सुओ बोलता है मैं वादा करता हूँ सुमीरे, अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी कंडीशन में मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। और इतना कहते हुए वो सुमीरे को गले से लगा लेता है। एंड हमारी इस कहानी के हीरो और हीरोइन फाइनली एक हो जाते हैं। पर रुको जरा, सवर करो, अभी मेन मोटिव भी तो पूरा करना है। अब सीन चेंज होता है और हम मित्सुओ और सुमीरे को एक स्टेज पर देखते हैं। आज उनकी फिल्म का वर्ल्ड वाइड लॉन्च इवेंट है। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। इसे सोशल मीडिया के ऊपर भी लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिसे अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोग देख रहे थे। फिल्म के कुछ सीन्स को एज अ ट्रेलर दिखाया जाता है और रिलीज डेट भी बता दी जाती है। और ये तो पूरी तरह श्योर है कि सुमीरे की ये फिल्म जापान में तो क्या पूरी दुनिया में बवाल मचाने वाली है। लेकिन इस इवेंट के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी सुमीरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज करोड़ों लोगों के सामने मित्सुओ नी डाउन होते हुए सुमीरे को शादी के लिए प्रपोज करता है, और सुमीरे हंसते हुए मित्सुओ को हाँ कर देती है। अब फ्रेम चेंज होता है और हम देखते हैं आज मित्सुओ और सुमीरे हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं। वो दोनों आज शादी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इस लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट के लिए अपने सभी फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था। उनकी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद थी। मित्सुओ के पेरेंट्स भी उसके और सुमीरे के लिए बहुत खुश थे। वो जैपनीज ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी कर रहे थे। शादी में काफ़ी अच्छी खासी गैदरिंग थी जो कि मित्सुओ की वेल्थ को शो कर रहा था। और फाइनली उनकी मैरिज कंप्लीट होती है। धीरे धीरे सभी गेस्ट चले जाते हैं और मित्सुओ और सुमीरे अपने
फर्स्ट नाइट एक्सपीरियंस के लिए रूम में चले जाते हैं। मित्सुओ काफी फिल्म स्टाइल में रूम के अंदर एंट्री लेता है और सुमिरे मित्सुओ की फैन हो जाती है। वो डायरेक्टली जाकर मित्सुओ को हग कर लेती है। मित्सुओ सुमिरे को अपनी गोद में उठाता है और वो दोनों जाकर बेड पर लेट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है आप सभी समझ सकते हो, और यार नहीं समझ पाए तो जाकर पोगो देख सकते हो, नहीं तो कार्टून नेटवर्क भी जिंदाबाद है। एंड आज फाइनली हमारी ये स्टोरी 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद खत्म होती है। एंड गाइस अगेन सो सॉरी कि मैंने आपको फिर से इतना वेट करवाया। इस बार कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर नई स्टोरी बहुत शानदार होने वाली है और जब भी आएगी जल्द से जल्द आएगी। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज हमारे इस द हाई स्कूल लव सीरीज को। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार फिर से सीरीज को एक बार बिंज वॉच कर लेना ताकि हमारे चैनल को फिर से एक बार बूम मिल सके। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।